जब मैं गिरी थी तब बहुत लोगों को इंटरेस्ट था कि मैं आई मीन दे वांटेड टू नो हाउ आई फेल एंड व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे. तो आई वुड जस्ट लाइक टू बेसिकली टेक यू थ्रू व्हाट हैपेंड. एंड तो एज यू नो कि इस हफ्ते झलक पे वी हैव इंटरनेशनल वीक एंड तो वेगस से इंटरनेशनल डांसर्स आए हैं एंड हमको एक डांसर कॉल्ड जेम्स दिया गया था. उनके साथ वी हैड टू डू अ कोरियोग्राफी एंड द फर्स्ट डे जब हमने जो प्रैक्टिस किया था देर वॉज वन मूव वेयर आई वॉज गेटिंग थ्रोन एंड ही वॉज सपोज टू आई वॉज सपोज टू जस्ट कम आउट थ्रू द बैक. I fell too fast and he wasn't able to catch me properly. The thing is, what happens is ईशा के साथ आज तक मैंने जितने भी intricate stuff किए हैं, हम लोगों ने बहुत ही intricate and difficult stuff किए हैं. But अगर मैं अपना right hand use करता हूँ कोई lift में, तो मेरा left hand हमेशा stand by में रहता है कि कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो गया तो मैं किसी तरह से I can grab her and गिराने से बचा सकूँ. But I think our previous performance what we did, James and all the international dancers saw us doing a lot of intricate stuff. तो शायद James को लगा होगा कि मी एंड ईशा टू बिल्ड अप दिस केमिस्ट्री यू माइट से और बिल्ड अप दिस अंडरस्टैंडिंग हमें 13 हफ्ते लगे. एंड नाउ सडनली इस हफ्ते अ फॉरन बॉडी इज इंट्रोड्यूस्ड. सो उनका वर्क ऑफ सेंस ऑफ वॉकिंग, उनका सेंस ऑफ स्टाइलिंग, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. या एंड टू गेट ऑल दैट गोइंग इन वन डे, तो क्या हुआ कि वी ट्राइड दैट लिफ्ट. वो लिफ्ट बहुत ही सिंपल था जिसके अंदर ईशा को ही सपोज टू लिफ्ट हर, शी सपोज टू रोल डाउन द बैक एंड ग्रैब हिज लेग्स. तो वी ट्राइड इट 5 टाइम्स. बहुत ही आराम से हम लोगों ने कोशिश किया कि आराम आराम से स्टेप लेकिन बाय लास्ट स्टेप. टाइम हमने फास्ट किया एंड ही सेड ही इज गोइंग टू थ्रो मी मोर. सो इन दैट थ्रोइंग मोर माय स्पीड बेन मोर. या दैट्स व्हाई आई एम कमिंग. क्योंकि टुवर्ड आफ्टर द 5 टाइम्स ही सेड कि चलो लेट्स डू इट द वे इट्स सपोज्ड टू बी डन, लेट्स इंक्रीज द पेस. तो जब वो पेस इंक्रीज किया आई वाज स्टैंडिंग राइट देयर टू स्पॉट, ही वाज हियर, ईशा डिड द फ्लिप. इसने जिस मोमेंटम से उस ईशा को थ्रो किया है, ईशा वेंट अबव एंड वाइल कमिंग डाउन इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग द लेग्स, हाथ जैसे जमीन पे लगा इन दिस लोकेशन. तो मैंने ईशा को हर जगह से मैंने पहले कोशिश की कि देखूं कहां पे क्या लगा है. देन आई रियलाइज हर एंटायर बोन इज डिसलोकेटेड, हर शोल्डर वॉज इंटैक्ट, ओनली द एल्बो वॉज हर्ट. सो आई कैरीड हर एंड वी रैन टू अंबानी हॉस्पिटल.